रविवार शाम को भोपाल पहुंच गया है। इस ट्रेन की उद्घाटन सेवा शनिवार से शुरू होगी। यह सुबह 10 बजे रानी कमलापति स्टेशन से चलेगी और आगरा से वापस लौट जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में बदलाव भी हो सकता है। ट्रेन की नियमित सेवा सोमवार से शुरू होगी। पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों ने इसके लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली है। रेलवे बोर्ड पहले ही उक्त ट्रेन की प्रस्तावित समय सारणी जारी कर चुका है। यह ट्रेन 2 अप्रैल से रानी कमलापति स्टेशन से सुबह 5:55 पर चलकर दोपहर 1:45 पर नई दिल्ली पहुंचेगी और वहां से दोपहर में 2:45 पर चलकर रात में 10:35 पर रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। बीच में केवल आगरा स्टेशन पर 5 मिनट का ठहराव लेगी और यह 708 किलोमीटर का सफर 7:45 में पूरा करेगी। अब शताब्दी एक्सप्रेस इस दूरी को तय करने में समय लेती है और यह ट्रेन शताब्दी से भी तेज गति से चलेगी। चलने के पूर्व अलग अलग चरणों में इसका ट्रायल भी होगा। तो इंतजार खत्म हो गया है। वंदे भारत ट्रेन अब राजधानी भोपाल से नई दिल्ली की ओर चलाई जाएगी। 708 किलोमीटर का सफर 7:45 में वंदे भारत ट्रेन पूरा करेगी। प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का रैक राजधानी भोपाल पहुंचा है। वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। रानी कमलापति स्टेशन में जोर शोरों से इसकी तैयारियां चल रही हैं।